Hello students, welcome to this evening session of Indian history. सबसे पहले आज आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाइयां। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ये भगवान शंकर का से संबंधित एक दिन है, बट अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें आज ही के दिन पृथ्वी पर पहले ज्योतिर्लिंग का अवतरण हुआ था। आपको बताऊं, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति बेहद रहस्यमय पहेली का है। कैसे एकदम से जीवन संभव हो पाया इस तपती धरती में, कोई व्याख्या देना मुश्किल है। ये कहा जाता है कि बाहरी ग्रहों से आए लोग उनका पिंडों के प्रभाव से यहाँ कुछ ऐसे बैक्टीरिया जन्मी जिनकी वजह से जीवन संभव हो पाया था, और शायद उसी घटना को प्रतीकात्मक रूप में आज ज्योतिर्लिंग का अवतरण कहा गया। तो आज ज्योतिर्लिंग के अवतरण का दिन है। वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग आए थे इस वसुंधरा में, इसके बाद इस धरती पर जीवन संभव हो पाया था। तो आप सबको इस महापर्व की, जीवन के इस महापर्व की, इस धार्मिक महापर्व की और इस सांस्कृतिक महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। सम प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के दिन बेहद अहम है एक और मामले को लेकर। भक्ति शहादत की एक गौरवशाली परंपरा, अक्षय की सेकंड वाले कंप्यूटर में कुछ आ नहीं रहा, एक गौरवशाली परंपरा। और आपको बताऊं कि ये शंभाजी थे। आपको मालूम है दैट इन 1689 पराजित हुए, कैद किए गए। और यद्यपि शंभाजी का इसके पहले का जीवन कोई बहुत अनुकरणीय जीवन नहीं था, लेकिन जिस शहादत की भावना से उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों को स्वीकार किया, वो एक तरफ भारतीय शहादत की गौरव गाथा है तो दूसरी तरफ मुगलों की पतन की एक करुणामयी कहानी। दक्षिण भारत में औरंगजेब का खेमा एक कसाई खाना बन गया। 21 दिन तक शंभाजी का शरीर का एक एक हिस्सा काटा जाता रहा, चीख की आवाजें आती रहीं और हर घाव के साथ उनके मुंह से निकलता था जय भवानी। अपने उत्कर्ष में, अपने जीवन देने के समय में शंभाजी भारतीय शहादत की एक गौरवशाली परंपरा बनकर के आए। और शायद ये उनके शहीदाना अंदाज था कि शंभाजी के बाद मराठा आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। मैं कुमार विश्वास जी के शब्दों में श्रद्धांजलि दूंगा कि है नमन उनको जो यशकाय को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी बन गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो जगत जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। बहुत समय तक हमारे देश में इतिहासकारों का एक वर्ग था जो भारतीय हर गौरवमयी परंपरा को कलुषित करना जिसका कार्य था। एक लंबे अरसे तक शंभाजी के जीवन के कलुषित पक्षों को ही उजागर किया गया, बट वक्त बदल रहा है और अब नए वक्त में नए युग की आवाज, नए युग के आदर्श, शंभाजी को बहुत बहुत नमन। आइए चलते हैं हम आज के अपने विषय की तरफ, दैट इज मध्यकालीन समाज और सांस्कृतिक परंपराएं। सबसे पहले देख रहे संस्कृति कहते किसे, सभ्यताएं बनती हैं, सभ्यताएं खत्म होती हैं, लेकिन समय के प्रवाह में सभ्यताएं को छोड़ जाती हैं जो कालांतर में जीवन का एक आवश्यक अंग बन जाता है। और सभ्यताओं द्वारा छोड़ा गया यह अवशिष्ट जो कंटिन्यूएशन में आता है उसे ही संस्कृति कहा जाता है। जैसे आज का दिन महाशिवरात्रि भारत की सांस्कृतिक देन है। हम शिव पूजा के उल्लेख हमें कम से कम इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन तक मिलते हैं। नदी पूजा भारत के इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की सांस्कृतिक देन है। पंचशील सिद्धांत अशोक की विदेश नीति की देन है। तो यह है संस्कृति।
और हमें देखना है कि मध्यकालीन समाज और संस्कृति कैसी थी। बेहद संभावनाओं भरा इतिहास है इस काल का, क्योंकि दो विभिन्न संस्कृतियां जो एक दूसरे से 180 डिग्री पर थी, हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति, एक वैयक्तिक संस्कृति एक सामूहिक संस्कृति, दोनों ही एक दूसरे से टकरा रही थी और एक नई जीवन संस्कृति जन्म ले रही। मैं आपको फिर बताऊं कि इस नई जीवन संस्कृति का संबंध मुगल शासकों से नहीं था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से नहीं था। इस नई मुगल संस्कृति का संबंध सूफी साधकों से था। इस नई मुस्लिम संस्कृति के संबंध अमीर खुसरो जैसे साहित्यकारों से था। इस नई मुस्लिम संस्कृति के संबंध उन धर्मांतरित हिंदुओं से था जो नए धर्म में जाने के बावजूद भी अपनी पुरानी मान्यताएं छोड़ नहीं पाए। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि मध्यकालीन समाज और संस्कृति, और आपको बताऊं कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बेहद संभावनाओं भरा हिस्सा है, यूजुअली इग्नोर कर दिया जाता है। बिना इसको समझे इतिहास के पथ पर आगे बढ़ा नहीं जाता। ये अंडरटोन है, इसी म्यूजिक का अंडरटोन है जो लगातार बजता रहता है, कभी ओवरटोन बनता है लेकिन अंडरटोन में तो लगातार चलता है। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। सल्तनतकालीन सामाजिक व्यवस्था में इस समुदाय की संख्या सर्वाधिक थी, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, बौद्ध समुदाय और जैन समुदाय। आपको बताना है कि सल्तनतकालीन सामाजिक व्यवस्था में किस समुदाय की संख्या सर्वाधिक थी, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, बौद्ध समुदाय और जैन समुदाय। द कम्युनिटी एज द हाईएस्ट नंबर इन द सोशल ऑर्डर ऑफ द सल्तनत वॉज हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी। अच्छा, जैन तो हटा सकते हैं ना, कभी भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण समुदाय नहीं रहा, हटा दीजिए। बौद्ध धर्म तो डिलीट हो गया था, इस समय था ही नहीं, इसको भी हटा दीजिए। नाउ हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय, द राइट आंसर फ्रॉम अंकिता साइड दैट इज ए हिंदू समुदाय। मध्यकालीन समाज में हिंदू समुदाय को मुस्लिम वर्ग के द्वारा क्या कहा जाता था? ए वैधव्य, बी क्षत्रिय, सी जिम्मी और डी उपरित, में से कहीं कोई नहीं। आपको बताना है कि मध्यकालीन समाज में हिंदू समुदाय को मुस्लिम वर्ग के द्वारा क्या कहा जाता था? वैधव्य, क्षत्रिय, जिम्मी और उपरित, में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर हियर दैट इज सी जिम्मी। जिम्मी का मतलब होता है संरक्षित, वे जो सैनिक सेवा नहीं देते थे राज्य को लेकिन जजिया कर देते थे और इस वजह से राज्य का संरक्षण हासिल करते थे, उन्हें जिम्मी कहा जाता था। मध्यकाल में अधोलिखित सामाजिक वर्ग की सर्वोच्चता थी ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी शूद्र और डी वैश्य। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सामाजिक वर्ग सर्वोच्च स्थान पर था? क्वेश्चन नंबर 3, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। कमन प्लीज। आपको मालूम है परंपरागत भारतीय समाज इन्हीं चार वर्गों में विभाजित था और बड़ा रोचक इतिहास है कि कभी वैश्यों की स्थिति ऊपर होती थी, कभी क्षत्रियों की स्थिति नीचे होती थी, कभी ब्राह्मणों की स्थिति ऊपर होती थी। मुझे आपसे पूछना है कि मध्यकाल में अधोलिखित में से कौन से सामाजिक वर्ग सर्वोच्चता पर था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ए बी सी और डी। एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज बी फ्रॉम अंकिता साइड दैट्स द राइट ऑप्शन बी। मध्यकालीन समाज में अधोलिखित में कौन सा वर्ग व्यापारी गतिविधियों में संलग्न था? क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, हिंदू वर्ग और वैश्य वर्ग। आपको बताना है कि इनमें कौन सा वर्ग व्यापारी गतिविधियों में संलग्न था? क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी और डी, क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, हिंदू वर्ग और वैश्य वर्ग। राम जी के वेलकम। मध्यकालीन समाज में इन द मेडिवल सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वर एंगेज इन द बिजनेस एक्टिविटीज? द राइट आंसर ऑफ कोर्स हर युग में, इसी युग में नहीं, आज कहे हम या प्राचीन काल में कहे, व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न वर्ग वैश्य वर्ग था। राइट आंसर अंकिता, राम जी।
अधोलिखित में किस सुल्तान के ऊपर अहल ए कलम अर्थात उलेमा वर्ग, इस वर्ग को प्लीज ध्यान में रखिएगा, अहल ए कलम ये उलेमा वर्ग का विशेषण था। तो आपको बताना है कि किस सुल्तान के शासनकाल में अहल ए कलम वर्ग अर्थात उलेमा वर्ग का सुल्तान के ऊपर और शासन के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। अच्छा एक बात बताओ, अलाउद्दीन खिलजी तो सीधे कहता था कि मैं नहीं जानता कयामत के दिन मेरा क्या हश्र होगा। उसने उलेमा वर्ग को बिल्कुल नजदीक नहीं जाने दिया, डिलीट। नौ फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उलेमा वर्ग तो उससे नाराज रहता ही था क्योंकि वह हिंदू साधु संतों से मिलता था, जैन विद्वानों से मिलता था, हिंदू होली त्योहार उसके दरबार में मनाए जाते थे, तो उलेमा वर्ग का प्रभाव होता ऐसा संभव नहीं था। और सिकंदर लोदी, ही वाज एन फैनेटिक, धर्मानुसार सुल्तान था। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस बी एंड डी एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज बी, फिरोज शाह तुगलक, बोथ गिव द राइट आंसर, रामजी एंड अंकिता चौहान। तो द राइट आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में जो थट्टा से उसकी दिल्ली तक की यात्रा थी ना, वो पूरी की पूरी एक तीर्थ यात्रा बन गई। कोई ऐसी मजार नहीं थी, कोई ऐसी दरगाह नहीं थी जहां सुल्तान न गया हो, पर शायद क्योंकि वो एक हिंदू मां का पुत्र था इसलिए उसके अवचेतन में कोई बार बार ये कहता था कि तुझे सिद्ध करना है कि 24 कैरेट का मुसलमान है। और अपने आप को उसी 24 कैरेट के मुसलमान सिद्ध करने के लिए उसने उलेमा वर्ग को शासन के ऊपर प्रभावी होने दिया था। सिकंदर लोदी को याद रखिएगा प्लीज, सबसे सुंदर सुल्तान, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान, आगरा की स्थापना करने वाला सुल्तान और सर्वाधिक कठोर गुप्तचर व्यवस्था वाला सुल्तान। यह प्रश्न बेहद कंफ्यूजिंग होता है जब सर्वाधिक कठोर गुप्तचर व्यवस्था पूछी जाती है और अक्सर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी से भ्रमित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकालीन समाज में अधोलिखित में कौन सा सूफी सिलसिला राजकीय सेवा से संबंधित था, कादरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी और चिश्ती। नक्शबंदी ये ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना करते थे, कई नक्शे बनाते थे शायद इसलिए नक्शबंदी, बाबर इसका अनुयायी था। चिश्ती ये तो राजकीय सेवा से कत्ते ही संबंधित नहीं थे, बहुत दूर रहते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया तो कहते ही थे कि खुदा के घर में दो दरवाजे हैं और दोनों दरवाजों में फकीर के जाने का दरवाजा एक ही है। नाउ वी हैव टू ऑप्शन, सुहरावर्दी एंड कादरी, एंड द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज सुहरावर्दी, वेरी गुड अंकिता रामजी, दे बोथ गेट द राइट आंसर दैट इज सुहरावर्दी। प्लीज चिश्तियों के आप देख रहे हैं बगल में एक फोटो है, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन पद्धति का आविष्कार किया था इन्होंने और धर्मांधता के उस युग में जब संस्कृत के वेद पढ़ना कठिन था तब महाप्रभु चैतन्य मथुरा की गलियों में गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हुए निकलते थे। यह मुस्लिम सामूहिक साधना पद्धति को एक जवाब था हिंदू मेघा के द्वारा। और आपको मैं बताऊं कि वे कीर्तन पद्धति शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे, अपार्ट फ्रॉम दैट राधा और कृष्ण की एक साथ पूजा करने वाले वे पहले व्यक्ति। मध्यकालीन समाज में अधोलिखित में कौन सी सामाजिक कुरीति विद्यमान थी, उच्च वर्ग में बहुविवाह की प्रथा, बी दास व्यवस्था का प्रचलन, पर्दा प्रथा और डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि मध्यकाल में अधोलिखित में कौन सी सामाजिक कुरीति विद्यमान थी। उच्च वर्ग में बहुवा राइट आंसर दैट इज डी उपर्युक्त सभी, रामजी अंकिता चौहान दे बोथ गेट द राइट आंसर दैट इज उपर्युक्त सभी। दिल्ली सल्तनत में दास मुस्लिम समाज के महत्वपूर्ण अंग थे। अच्छा प्लीज दास का तो नौकर मत समझिएगा, आप दास को आपके आईएएस की तरह ले सकते हैं, फर्क इतना था कि आईएएस का अपना परिवार होता है और दासों को बचपन में अच्छे परिवारों से जबरदस्ती चुरा लिए गए बच्चे थे जिनको विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी जाती थी और फिर बड़े दामों पर बेचा जाता था और बेहद अहम संस्था थी क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के समय को छोड़ करके और दासों ने कभी भी अपने मालिक के प्रति या मालिक के परिवार के प्रति दगाबाजी नहीं की। तो आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में दास मुस्लिम समाज के महत्वपूर्ण अंग थे,
इनकी देखरेख के लिए दिल्ली सल्तनत के शासक ने दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक, अल्तमश, बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। दीपिका ए राइट आंसर, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान, और आपको बताऊं कि सल्तनत में सर्वाधिक संख्या में दास भी इसी के समय में थे। मुगल काल में भारतीय मुसलमानों को अधोलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? आप देख रहे हैं सिनेरियो आपके सामने है। शेख दादा, शेखुल उमरा, मुहाजिर और मुत्साहदी। ए बी सी और डी। मे बी द क्वेश्चन मे बी समहाउ टफ बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो बार पूछा गया है यूबीसी में। आपको बताना है कि मुगल काल में भारतीय मुसलमानों को किस नाम से जाना जाता था? शेख दादा, शेखुल उमरा, मुहाजिर और मुत्साहदी। क्वेश्चन नंबर 9, कम ऑन प्लीज। मुहाजिर। बच्चे मुहाजिर कहते हैं जो जो स्थानांतरित लोग होते हैं, जैसे जो भारत से छोड़ करके मुसलमान पाकिस्तान पहुंचे हैं उनको वहां मुहाजिर कहा जाता है। एंड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर राइट्स देयर, सो नो नो नॉट मुहाजिर। रामजी गेव द राइट आंसर, दैट इज ए शेखुल उमरा। उमरा वर्ग का शेख कैसे संभव है? उमरा तो अधिकतर विदेशी अमीर थे ना। मुगल काल में मुस्लिम समाज विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटा हुआ था, इनमें कौन कौन शामिल थे? शिया, शेख, सैयद और सफी। और मैं आपको बताऊं, सैयद पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते थे। विशेष अधिकार हासिल थे इन्हें, वैसे ही जैसे हिंदू समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान हासिल है ना, वैसे मुस्लिम समाज में सैयदों को तब भी सर्वोच्च स्थान हासिल था और आज भी सर्वोच्च स्थान हासिल है। शेख, शिया। शिया का मतलब होता है प्यार करने वाला, फाइन। और वे लोग जो हजरत अली को मानते थे उनको कहा गया था शिया यानी अली, यानी अली को प्यार करने वाले, ओके। और कालांतर में यहीं से शिया संप्रदाय का जन्म होता है। तो द राइट आंसर इज डे, उपर्युक्त शब्द शिया, शेख, सैयद और ऑफ। मुगल कालीन समाज में सबसे कमजोर स्थिति निम्न वर्गों की थी, आधुनिक युग में से कौन सा एक समुदाय इसमें शामिल नहीं था? द वीकेस्ट पोजिशन द मुगल सोसाइटी वॉज ऑफ द लोअर क्लासेस विच वन ऑफ द फॉरेन कम्युनिटीज वॉज नॉट इन्वॉल्व इन इट। ए दस्तकार, बी गुलाम, सी अमीर और डी किसान। क्वेश्चन नंबर 10, रामजी से डी, ओके, अतुल जी के डी, कौन शामिल नहीं था? कमन प्लीज, आई एम वेटिंग योर ऑप्शंस हियर। क्वेश्चन नंबर 6, अरे एक बार ध्यान से पढ़िए ना क्वेश्चन को, वो तो आंसर अपने आप चीख चीख करके बता रहा है। क्यों अंकिता, क्या अमीर वर्ग कमजोर वर्गों में था क्या? ऑप्शन सी दैट गिवन दिया, क्या ये कमजोर वर्ग में था? दीपिका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन सा एक इसमें शामिल नहीं था? एंड ऑफ कोर्स अमीर नहीं होगा, हाँ किसान शामिल था और भी शामिल थे। आपसे तो पूछा गया कौन एक शामिल नहीं था, चलिए तो किसान मान लिया हमने, बाकी और देखिए। अच्छा कुछ देखने की जरूरत नहीं ना, वो तो दूर से चमक रहा है अमीर। अमीर ना तब निम्न वर्ग था और ना आज निम्न वर्ग है। राइट, द राइट आंसर इज दैट इज अभी। मुगलकालीन समाज में स्त्रियों से संबंधित कौन सी कुरीति विद्यमान थी? इन द मुगल पीरियड दिस प्रैक्टिस रिलेटेड टू विमेन एग्जिस्टेड। ए बहुविवाह, बी बाल विवाह, सी सती प्रथा और डी उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि स्त्रियों से संबंधित कौन सी कुरीति विद्यमान है? बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा और उपर्युक्त सभी। हाँ ऐसा होता है ना, अक्सर जहां कहीं नहीं लगा होता है क्वेश्चन में ना, वहां बेहद दिक्कत होती है। राइट आंसर इज डी। अंकिता, दीपिका, रामजी, देवल के द राइट आंसर ये सब। देवदासी प्रथा भारत के किस क्षेत्र में विद्यमान थी? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत।
दरअसल मंदिर इस समय सांस्कृतिक परंपराओं के एक स्रोत बन गए थे, सांस्कृतिक और आर्थिक परंपराओं के, और ललित कलाओं का एक जागृत केंद्र थे। देवदासी प्रथा बाद में कुरीतियों के साथ आई थी, लेकिन अपने समय में एक बेहद शुभ्र सांस्कृतिक परंपरा थी। आपको बताना है कि भारत के किस क्षेत्र में विद्यमान थी, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज बी, दक्षिण भारत। राइट आंसर राम जी एंड अंकिता जी, द राइट आंसर। अधोलिखित में से किस ग्रंथ में देवदासी प्रथा का उल्लेख किया गया है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अर्थशास्त्र और उपरोक्त सभी। ए बी सी और डी। आज के दिन उड़ीसा में ज्यादा है, बिल्कुल सही है। कारण है कि उड़ीसा बेसर शैली का केंद्र बन गया था। बेसर मतलब जहां उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक परंपराएं मिलकर के एक नई शैली को जन्म दे रही। तो समूचे मध्यकाल में उड़ीसा एक ऐसे क्षेत्र के रूप में था। अंकिता भी, बच्चे अर्थशास्त्र को देखकर के डर रहे हो क्या? उपर्युक्त सभी, इन सभी में, दैट इज डी डी डी। क्वेश्चन नंबर 14, द राइट आंसर इज देवदासी प्रथा का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है और अर्थशास्त्र में मिलता है। अधोलिखित में से किस मुगल शासक के काल में हड़प व्यवस्था अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी? बाबर, अकबर, जहांगीर एंड औरंगजेब। आपको बताना है कि किसके शासनकाल में, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरम व्यवस्था अपने चरम उत्कर्ष पर। राइट आंसर पावरफुल जी के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 की कहानी। हरम अपने आप में एक अच्छा, आप अंदाजा लगाइए सर्वाधिक ताकतवर महिला किस समय में? नूरजहां, जहांगीर के समय में। तो ऑफकोर्स हरम के सर्वाधिक अधिकार, हरम के सर्वाधिक दायित्व हमें इसी समय लिख पड़ते होंगे। नो दीपिका, सीधे कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन देते हैं। अगर आपसे हरम व्यवस्था पूछा जा रहा है, तुम्हारा हरम की सबसे महत्वपूर्ण महिला के नाम याद करिए कौन रही? ऑफकोर्स नूरजहां से ताकतवर कोई दूसरी नहीं रही। निश्चित तौर पर नूरजहां के समय में हरम के अधिकार पुनर्परिभाषित किए गए। मुगल शासकों द्वारा अधोलिखित में से किन शहरों में शाही हरम व्यवस्था स्थापित की गई थी? आगरा, दिल्ली, लाहौर एंड ऑल ऑफ दीस। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है कि किन शहरों में मुगल हरम व्यवस्था लागू की गई थी? आगरा, दिल्ली, लाहौर और उपर्युक्त सभी। ए बी सी और डी। In which of the following cities were the royal harem system established by the Mughal rulers? And the answer of question number 16, that is D, Deepika Ankita. They both gave the right answer, that is D, Uparyukt Sabhi. Mughal काल में इत्र बनाने की विधि का आविष्कार जहांगीर के शासन काल में अधोलिखित में से किसने किया था? दहनारा बेगम, अस्मत बेगम, नूरजहां और ज़ेबुन्निसा। कम ऑन प्लीज, आपको बताना है कि मुगल काल में इत्र बनाने की विधि का आविष्कार जहांगीर के शासन काल में अधोलिखित में किसके द्वारा हुआ था? पावरफुल जी के। अधिकतर किताबों में तो यही मिलता भी है। राइट आंसर दैट इज बी, अंकिता, दीपिका, दैट इज अस्मत बेगम। ये नूरजहां की मां है, एतमादुद्दौला की पत्नी है, आसफ खां की मां है और मुमताज महल की दादी है। इसने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। इसके अलावा जहांगीर के समय के फैशन की जितनी एक्टिविटीज है वे सब नूरजहां से संबंधित। तत्काल काल में मदरसा क्या था? उच्च शिक्षा केंद्र, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, माध्यमिक शिक्षा केंद्र और व्यावसायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है कि सल्तनत काल में मदरसा किसे कहते थे? ए उच्च शिक्षा केंद्रों को, बी प्राथमिक शिक्षा केंद्रों को, और सल्तनत का क्या आप समूचे मध्यकाल में कह सकते हो कि मध्यकाल में मदरसा किसे कहते थे? ए बी सी और डी।
दो शब्द होते थे, एक मदरसा होता था और एक मकतब होता था, फाइन। और मदरसे, अंकिता प्लीज, मदरसे हमेशा उच्च शिक्षा केंद्र होते थे, फाइन, और मकतब प्राथमिक शिक्षा केंद्र। इसलिए आप देखते होंगे इन सुल्तानों के द्वारा मदरसे स्थापित किए जाते थे, है ना। लेकिन हर मस्जिद के साथ जो शिक्षा केंद्र होते थे ना, प्रारंभिक शिक्षा केंद्र, उन्हें मकतब कहते थे। प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मदरसा, मदरसा उच्च शिक्षा केंद्र हो गया, और मकतब, याद करना आसान है ना, देखो दा बाद में आता है, का पहले आता है, तो जो बाद में आता है वो उच्च शिक्षा केंद्र हो जाएगा, मदरसा, मकतब का पहले आता है वो प्राथमिक शिक्षा केंद्र। ओके, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन अल्तमश ने मदरसा ए मुइज्जे की स्थापना कहाँ की थी? बदायूं, आगरा, दिल्ली और लाहौर। ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि अल्तमश ने मदरसा ए मुइज्जे की स्थापना कहां पर की थी। असल में इसका बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, अपने उत्तराधिकारी के तौर पर इसको आगे बढ़ा रहा था, लेकिन बंगाल अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसी का मकबरा है सुल्तानगढ़ी, जो भारत में निर्मित पहला शासन सत्ता द्वारा निर्मित पहला मकबरा है, और उसी की याद में मदरसा मुइज्जे की स्थापना की थी इसने। क्वेश्चन नंबर 19, द राइट आंसर इज सी, दैट इज दिल्ली, दिल्ली। ऑफकोर्स बदायूं नहीं हो सकता ना, आगरा सत्ता का केंद्र नहीं था, सिर्फ कंफ्यूजन लाहौर और दिल्ली के बीच में था। तो अल्तमश तो दिल्ली की ताकत बढ़ाने के लिए जाना जाता था लाहौर के खिलाफ, और लाहौर की प्रभुता के खिलाफ को बगावत करने के लिए जाना जाता था अल्तमश। लाहौर की प्रभुता का अंतिम प्रतीक बन गया था इस्लाम आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निर्मित मुस्लिम इमारतों में किस इमारत में पहली बार हमें वास्तविक मेहराब की प्राप्ति होती है? अल्तमश का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा और सुल्तानगढ़ी। गुंबद, मीनार और मेहराब, ये तीनों इस्लामी स्थापत्य कला का एक अंग थे। प्लीज आई शुड टेक दैट मेडिसिन। आपको बताना है कि मैंने बताया आपसे गुंबद, मीनार और मेहराब तीन अंग हुआ करते थे मुस्लिम परंपरा के। तो अंकिता, पहली बार साबुत गुंबद हमको मिलता है अलाई दरवाजे में, राम जी, पहली बार साबुत गुंबद हमें अलाई दरवाजे में मिलता है अगर खिलजी का। बट मैंने आज मेहराब पूछा है कि पहली वास्तविक मेहराब हमें किस बिल्डिंग में प्राप्त होती है। उमेश वेलकम, कम ऑन प्लीज। एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 20, दैट इज बलबन का मकबरा, दैट इज बी, मेहरौली में है। कोई बोर्ड नहीं है इसके ऊपर, आप सिर्फ जीपीएस की मदद से जान सकते हैं कि यह बलबन का मकबरा है। उस व्यक्ति का मकबरा जो अपनी डैडी सत्ता का तो क्लेम किया करता था, अफरासियाब का वंशज बताता था। यह है काल की गति और यह है इतिहास का सबक कि उस बलबन का मकबरा आज जीपीएस की सहायता से आप पा सकते हैं, बेहद उपेक्षित, बट तो पहली बिल्डिंग है जिसमें हमें वास्तविक मेहराब की प्राप्ति हो। प्लीज कंफ्यूज मत होइए, अलाई दरवाजे में हमें पहली बार हिंद इस्लामिक परंपरा के सभी प्रतीक मिलते हैं। क्या क्या होंगे सभी प्रतीक? एक गुंबद होगा, एक मीनार होगी और एक मेहराब होगी। गुंबद, मीनार, मेहराब, मुस्लिम प्रतीक क्या हो, हिंदू प्रतीक क्या होंगे? स्तंभ हो गया, लेंटर्न हो गया, कलश और आमलक हो गया, शिखर के ऊपर था। ये छह तत्व हमें अलाई दरवाजे में मिलते हैं और इसीलिए इसे इस्लामी, हिंद इस्लामी परंपरा का पहला प्रतीक कहा जाता है। मुल्तान के प्रसिद्ध विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीज उल्लाह दुरानी को दिल्ली के किस सुल्तान ने अपना संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। आपको बताना है कि मुल्तान के प्रसिद्ध विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीज तुलानी को दिल्ली के किस सुल्तान ने अपना संरक्षण दिया था? ए बी सी और डी।
राइट आंसर अंकिता, वेरी गुड, दैट इज सी सिकंदर लोदी, दिल्ली सल्तनत का सबसे खूबसूरत सुल्तान है लेकिन सबसे धर्मांध सुल्तान, आगरा शहर की स्थापना करने वाला सुल्तान और सबसे ज्यादा कठोर गुप्तचर व्यवस्था वाला सुल्तान, अपार्ट फ्रॉम दैट गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान। कई डायमेंशन है सिकंदर लोदी के, इसे जरूर याद रखिएगा, कोई एक क्वेश्चन पूछ जाने की पॉसिबिलिटी बराबर होती है। अधोलिखित में से किस राजवंश ने बीदर में एक मदरसे का निर्माण करवाया था, बहमनी, विजयनगर, यादव और निजामशाही। ग्रेट, अब वेरी इजी क्वेश्चन, देखो निजामशाही तो बाद में आया है ना, परवर्ती मुगलों के दौर में, यादव वंश था ही, खत्म हो गया था, विजयनगर वंश खत्म हो चुका था, अब एक ही तो बचा आपके पास, अगर बहमनी, बीजापुर, गोलकुंडा होता तब कंफ्यूजन होता ना। तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज ए। शिक्षा के दृष्टिकोण से दीन ए पनाह नामक पुस्तकालय का गठन किस मुगल शासक ने किया था? आपको बताना है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से दीन ए पनाह नामक पुस्तकालय का गठन किस मुगल बादशाह ने किया था, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। आंसर इज वेरी इजी, आई थिंक यू विल गिव द आंसर बी, दैट इज हुमायूं, वेरी गुड। दीन पनाह शहर भी इसके द्वारा स्थापित किया गया था। अधोलिखित में किस मुगल शासक के शासनकाल में शिक्षा की सर्वाधिक प्रगति हुई थी, जहांगीर, बाबर, अकबर और औरंगजेब। आपको बताना है कि शिक्षा की सामाजिक प्रगति, शिक्षा के लिए सामाजिक प्रयास इस मुगल सम्राट के समय में किए गए थे। उमेश, आई एम नॉट कंफर्म आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। 24C राइट आंसर, दैट इज पावरफुल जीके अंकिता चौहान। मुगल शासक अकबर ने इस्लामिक शिक्षा के विकास के लिए आधुनिक युग में कहां एक विद्यालय की स्थापना की थी, पटनपुर सीकरी, सूरत, गुजरात और इलाहाबाद। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन इज नॉट ऑफ नॉलेज, क्वेश्चन इज ऑफ ओनली द कॉमन सेंस। एक बात बताओ, इलाहाबाद में क्यों करेगा हिंदू, गुजरात प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा नहीं उसने, गुजरात और सूरत दोनों एक साथ देने का कोई मतलब नहीं, इस मतलब आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो देयर ओनली वन आंसर, दैट इज ए, फतेहपुर सीकरी। और कभी अगर जाना होगा आपको फतेहपुर सीकरी, तो बुलंद दरवाजा और जामी मस्जिद के बीच का जो क्षेत्र है बाई तरफ, वही ये विश्वविद्यालय था। अधोलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा के विकास के लिए लावारिस या बेनामी संपत्ति का उपयोग किया, जो कुल संपत्ति का एक चौथाई होता था। मतलब अगर कोई लावारिस या बेनामी संपत्ति है तो उसका एक चौथाई शिक्षा के विकास के लिए दिया जाता था, जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। बेहतर होगा कि आप उच्च शिक्षा के लिए मदरसा शब्द का इस्तेमाल करें, स्कूल और कॉलेज नहीं था, इसलिए कि स्कूल और कॉलेज मंदिर और मस्जिद से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मदरसे और मकतब और संस्कृत विद्यालय ये मंदिर और मस्जिद से जुड़ करके चलते हैं। तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 दैट इज जहांगीर ए। वो जो अध्यादेश जारी किए थे ना इसने अपने राज्यारोहण के अवसर पर, ये उन्हीं अध्यादेशों में उल्लिखित है। दीपिका ए। दारशको शाहजहां का योग्य और विद्वान पुत्र था, वह किन किन भाषाओं का विद्वान था, अरबी, फारसी, संस्कृत और उपरोक्त सभी। ये सोचना बड़ा रोचक है, काश
औरंगजेब के बाद खुसरो बादशाह बना होता और खुसरो के बाद दाराशिकोह को बादशाह बना होता तो हिंदुस्तान की नीयत क्या है? बन थी कि कंफर्म पाकिस्तान नहीं बन सकता। दुर्भाग्य से इतिहास की धारा कुछ विपरीत दिशा में चल पड़ी। मैं प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं कहूंगा उमेश, अगर प्रत्येक व्यक्ति होता तो धर्म निरपेक्ष शिक्षा दी जाती। आप हिंदुओं से कैसे उम्मीद करते थे कि वे मदरसे में शिक्षा पाते? हाँ, आप ये कह सकते हो उसने संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। संस्कृत का सर्वाधिक विकास उसके समय में हुआ था, लेकिन संस्कृत शिक्षा केंद्रों को प्रोत्साहित नहीं किया था। संस्कृत को आदर इसलिए देता था कि भारत के एक बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भाषा थी और हिंदुस्तान का इतिहास छिपा था इस भाषा में। अकबर जिज्ञासु था, दैट्स संस्कृत के प्रति उसका ऑनर था। 27 का राइट आंसर इस गेम ऊपर युक्त सभी। शायद अकबर की भी अपनी सीमाएं थी, जैसे गुजरात पहुंच करके समुद्र को देख करके भी वो समुद्र पारीय व्यापारों के बारे में सोच नहीं पाया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी सहभागिता देने की उसकी कोई इच्छा ही नहीं हो पाई। अपनी सीमा की शायद या उसके एडवाइजर्स का प्रभाव था। इन द सेम उसने इज्जत तो की दूसरे धर्मों की, उसने कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की, जैसे उसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, लेकिन डर की वजह से भी हो सकता है क्योंकि हिंदू समाज अपने आप में आत्म केंद्रित हो चुका था। उसने इनके उत्थान की कोई कोशिश नहीं की। आधुनिक युग में किस मुगल शासक ने हिंदू शिक्षा के विकास पर प्रतिबंध लगाया और उन्हें दिए जाने वाले अनुदानों पर रोक लगा दी थी? क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following Mughal rulers banned the development of Hindu education and also prohibited the grant given to them? Of course, इसका आंसर तो आप नहीं करेंगे। That is B. Aurangzeb. मैं बताऊं औरंगजेब का बहुत बहुत सावधानी से अध्ययन करना चाहिए आपको, क्योंकि एक अवधारणा है कि औरंगजेब को जिंदा पीर मानती है और उसमें मुसलमान शामिल थे। ऐसा मत समझिए कि वो मंदिरों को तोड़ता था इसलिए जिंदा पीर था, नहीं। उसने एक काम ऐसा किया था जो उसे हिंदुओं के मन के समकक्ष रखती है, फतवा ए आलमगीरी। ये मुस्लिम विधिशास्त्र का पहला पुख्ता कदम था हिंदुस्तान में। आज भी मुस्लिम कानून इसी फतवाए आलमगीरी के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो इस वजह से कृतज्ञ मुस्लिम परंपरा उसे जिंदा पीर मानती है। दूसरा कंसेप्ट उसके मंदिरों और धर्मांतरण से संबंधित है, और मुझे लगता है कि सच्चाई दोनों के बीच में है, न इधर न उधर। इसके जैसे गुरु ऐसा कार्य, क्या बात है। अरे उमेश, वो कपिल एक वो है ना, कपिल 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 एक क्या वो जो डॉक्टर डॉक्टर चैनल चलाता है ना, तो कपिल शर्मा शायद नाम है, नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर। कपिल और वो मनमोहन सिंह जी दोनों एक के स्कूल के पढ़े हुए हैं, है ना। लेकिन एक को गुरु जी ने बहुत बोलना सिखाया और दूसरे को ना बोलना सिखाया। ये गुरु नहीं महत्वपूर्ण है, ये रिसीविंग एंड महत्वपूर्ण है ना। आप कैसा ग्रहण करते हैं? गुरु तो हमेशा एक जैसा सात्विक ज्ञान ही देता है। राजतरंगिणी की रचना कलहंत द्वारा कब की गई थी जो काश्मीर के इतिहास से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29। और आपको बताऊं, यद्यपि मैंने कश्मीर का इतिहास लिखा है आपसे, लेकिन कलहंत की आदत है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी अच्छा है उसको वो कश्मीर में दिखा देते हैं, है ना। जैसे अशोक उनके लिए कश्मीर का शासक था, जैसे बुद्ध उनके लिए कश्मीर के थे, लेकिन बावजूद उसके अपने समय का वे एक बिल्कुल जागता हुआ और प्रमाणिक इतिहास देते हैं हमें। एंड द राइट आंसर इज सी। इतिहास नहीं बच्चे, हर जगह समय का महत्व है। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए एक बात कही, दोनों के गुरु एक नहीं रहेंगे। हाँ,
हाँ, ये बात है कि गुरुकुल की परंपराएं तो एक जैसी है, गुरु नहीं है क्योंकि स्कूल की परंपराएं एक जैसी है। कोई स्कूल होता है जो करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा बढ़ावा देता है, कोई एकेडमिक्स पर ज्यादा बढ़ावा देता है, तो वो उसकी परंपराएं होती है। टीचर कोई भी आ जाए, सामान्य तौर पर स्कूल अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। तो मेरा संकेत उस तरफ था, मुझे मालूम था कोई ऑब्जेक्शन करेगा समय को देखते हुए, बट संस्थानों की सापेक्षता में समय का महत्व तो इसलिए नहीं रहता कि संस्थान एक नियमबद्धता पर काम करते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई मुझसे, कल्हण पहले व्यक्ति हैं जो इतिहास जानने के लिए मंदिरों के अभिलेखों का प्रयोग करते हैं, जो दान पात्र दिए गए, जो दान अभिलेख दिए गए, सो कल्हण द फर्स्ट पर्सन जो उन अभिलेखों का प्रयोग इतिहास के अध्ययन के लिए करते हैं। ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है, हालांकि लंबे अरसे से आया नहीं। तत्कालीन साहित्यकार अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो तो कहते थे कि मैं तृतीय हिंदू हूं, 1852 में जन्म हुआ उनका एटा के पटियाली नामक जगह में, और सात सुल्तानों का शासन देखा उन्होंने। अंतिम रचना थी इनकी कि खुसरो सोवत सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई जोड़ी। आर्कियोलॉजिस्ट उमेश, इसका मीनिंग एक्सप्लेन करिए, अनफैमिलियर वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट शब्द। सो इनका मूल नाम था दैट इज ए अब्दुल हसन। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में कहते थे खुफिया क्वेश्चन, नहीं पूछे जाते, पर जब कभी पूछे जाते हैं ना तो मेरिट बन जाती है। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन पर अपनी निगाह रखिए जिन क्वेश्चन को सभी लोग गलत करने वाले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्केटाइपल का भी तो मेरी निगाह में है, आर्केटाइपल का भी उनको कहते हैं जो बहुरंगी छवियों वाली कविता लिखते हैं, एक विधा से बंधे नहीं देते, वो आर्केटाइपल कहलाते हैं। इस आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी तारीख फिरोजशाही और फतवा ए जहांगीरी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? जियाउद्दीन बरनी, मिनहाज सिराज, इसामी और अफीफ। जन्म हुआ था उन्नीस, रहने वाले मत के लिए, क्योंकि जन्म के बाद उनके पिता दिल्ली चले गए। 31 के पटियाली, क्वेश्चन नंबर 31 ए जियाउद्दीन बरनी, राइट आंसर। ये भारत के इतिहास के प्लिनी है, एक प्लिनी है ना जो भारत की बड़ी आलोचना करता है कि हमारे ड्राइंग रूम में घुस गया भारत, हमारे बेडरूम में घुस गया, हमारे किचन में घुस गया। बरनी भी शाश्वत आलोचक है, बस उनको अच्छा लगता है तो बलबन जो इस्लामी परंपराओं को लागू करने की कोशिश कर रहा था, और सबसे ज्यादा नाराज था यार किसी से, तो वो था मोहम्मद कतर। तो द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज ए जियाउद्दीन बरनी। आपको बताऊं मिनहाज सिराज पहले इतिहासकार है, 1255 तक का इतिहास लिखते हैं मिनहाज सिराज, और जहां से सिराज खत्म करते हैं ना 1255 उसी जगह से बरनी अपना इतिहास लिखना शुरू करते हैं, और बरनी जिस जगह से अपना इतिहास लिखना खत्म करते हैं उसी जगह से शमशे सिराज अफीफ का इतिहास शुरू होता है जो तैमूर के आक्रमण के बाद की अव्यवस्था तक ले जाता है। तो ये सीरीज है तीन इतिहासकारों की दिल्ली सल्तनत का समूचा इतिहास जानने के लिए। कश्मीर के किस शासक ने महाभारत और राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था? जयसिंह, जैनुलाब्दीन, सहदेव, लालचंद, मुत्तफिल। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है कि कश्मीर के किस शासक ने महाभारत और राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था? क्वेश्चन नंबर 32 जयसिंह, जैनुलाब्दीन, सहदेव, लालचंद, मुत्तफिल। Which ruler of Kashmir got Mahabharat and Ratanamani translated from Sanskrit to Persian? देखो भाई एक बात बताऊंगा, कश्मीर का ये जो शासक है ना आपका जैनुलाब्दीन, इसे कश्मीर का अकबर, कश्मीर का शेरशाह सूरी और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी तीनों कहते हैं।
अकबर मतलब धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में, शेरशाहसूरी मतलब रेवेन्यू सुधारों के संदर्भ में, और अलाउद्दीन खिलजी का मतलब बाजार सुधारों के संबंध में। तो ऐसी कोई भी सकारात्मक परंपरा अगर आपको कश्मीर की मिलती है, आंख मूंद करके आंसर लगाइए जैनुलाब्दीन। तुजुक-ए-बाबरी का तुर्की से पारसी में अनुवाद किस मुगल साहित्यकार ने किया था? ए अबुल फजल, बी मिर्जा हैदर, सी अब्दुल रहीम, और डी बदायूं। तुजुक-ए-बाबरी का तुर्की से पारसी में अनुवाद अधोलिखित में से किस मुगल साहित्यकार ने किया था? अबुल फजल, मिर्जा हैदर, अब्दुल रहीम और बदायूं। ए बी सी और डी। और आपको बताऊं मैं, अबुल फजल तो अकबर के समकालीन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना और तलवार और कलम दोनों के धनी थे, तुलसीदास के समकालीन थे। मिर्जा हैदर गोखला अकबर का हुमायूं का चचेरा भाई था। बदायूं बरनी थे मुगल काल के। फाइन, तो आपको बताना है कि तुजुक-ए-बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किस मुगल साहित्यकार ने किया था? ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 33 था, वेरी गुड, लेट अस सी, अब्दुल रहीम खाने खाना। और मैं बताऊं, मुझे स्तब्ध करते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना की खड़ी बोली हिंदी। मैं एक उदाहरण दूं आपको, एकदा दिवसा साढ़ समय मैं गया था बाद में। संस्कृत और हिंदी का इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, एकदा दिवसा साढ़ समय, लगता है जैसे संस्कृत में कर लिख रहा हूं, मैं गया था बाद में। तो द राइट आंसर इज अब्दुल रहीम खाने खाना, बाबर के बेटे थे वे। और जैसे बैरम खान खाने खाना के पद तक पहुंचा था, साम्राज्य के सर्वोच्च पद तक पहुंचा था, वैसे ही इन्होंने भी साम्राज्य के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में सफलता हासिल की थी। हालांकि कालांतर में जहांगीर के दंड का भाजन बनना पड़ा था इनको। बड़ी बड़ा प्रसिद्ध वार्तालाप है इनके और तुलसीदास के बीच में। कहते हैं कि कभी कोई ब्राह्मण पहुंचा जिसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, धन नहीं था उसके पास, कभी रहीम बड़े धन बड़े दानी थे, तो एक कागज पर तुलसीदास ने लिख करके दिया कि सुरती नरती नाग की यह चाहत सबको है, कि सुर नर नाग तीनों किस बात की कामना करते हैं। तुलसीदास का इशारा धन की तरफ था और रहीम ने अकूत दान देते हुए उस रचना की पूर्ति की, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुख होए। हम देख सकते हैं कि इस काल में हिंदू और मुस्लिम विद्वानों में एक दूसरे के प्रति कितने सम्मान की भावना। सुरती नरती नाद की यह चाहत सब बोए, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुख। तो द राइट आंसर इज अब्दुल रहीम खाने खाना। और एक चीज और पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है, मैडम एस बेवरेज, नाम याद रखिए, मैडम एस बेवरेज, इन्होंने इसका फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अंग्रेजी भाषा में तुजुक-ए-बाबरी को मैडम एस बेवरेज के नाम से जाना था। मुगल साहित्यकार शेख बायजी अधोलिखित में से किस रचना का श्रेय दिया जाता है? तारीखे हुमायूनी, तबका के आप अकबरी, तारीखे सलाती और मासिर ए रहीमी। आपको बताना है कि शेख बायजिद को अधोलिखित में से किस ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 कमन प्लीज, 34 कमन। एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 दैट इज तारीखे हुमायूनी। और हुमायूं के जीवन के बारे में जानने के लिए बड़ा अहम साधन है, क्योंकि कई घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी है। क्वेश्चन नंबर 34 ए, पंचतंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में किस नाम से किया गया? आप मालूम है कि किसी राजा के कुछ बड़े बिगड़ाए लड़के थे जो पढ़ ही नहीं रहे थे और गुरु को बाउंस कर देते थे, तो आखिरकार उनको सिखाने के लिए विष्णु शर्मा आए और कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी। उन्हीं कहानियों को संकलित किया गया पंचतंत्र के नाम से। सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद होता है इन ग्रंथों का, देश की भाषा में अनुवाद किया गया है। आपको बताना है कि किस नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? अनुवाद सुहेदे रजमनामा।
वेलकम वेलकम शक्तिमान। और बताऊंगा आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज 12 बजे रात में भगवान शंकर का स्वागत पढ़ते हुए करिए। एक विद्यार्थी का धर्म सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, हमारी पूजा पढ़ना है, बेहतर होगा हम पढ़ते हुए आज के दिन नवीन दिन का स्वागत करें देवादिदेव को समर्पित इस दिन का। तो द राइट आंसर इज ए, दैट इज अनुवाद इज सुनेंगे। रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद अधोलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ए मिर्जा हजर दोगला, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी दारा शिकोह, डी अबुल फजल। और आपको बताऊं इसका कि अकबर के द्वारा करवाया गया था, अकबर ने कोई था ही नहीं किसी को दिया, और बेचारे को अकबर के पहले तो उसने लिखा कि ये काफिर देवता है ये वो, अकबर ने बहुत डांटा कहा कायदे से लिखो, कायदे से ट्रांसलेशन करो इसका। अब यहां तो देवता लिखता था, पैगंबर लिखता था, घर जाके अपनी कथा में लिखता था कि खुदा मुझे माफ करे, इस नारायण बादशाह की वजह से मुझे काफिरों के देवताओं की तारीफ करनी पड़ गई। आई होप यू मस्ट गॉट द आंसर, दैट इज बदायूनी। बदायूनी बर्नी है मुगल का। अगर अबुल फजल कहता है कि अकबर कामिल इंसान था, उसको कोई बुराई हो ही नहीं सकती, तो बदायूनी कहता है दुनिया का सबसे घटिया आदमी था, बुराइयां ही बुराइयां थी। कारण यह था कि बदायूनी की 1500 बीघे जमीन चली गई थी अकबर के सुधारों के चक्कर, और जमीन में रहने वाले अबुल फजल लोग 5000 के मनसबदार बन गए, तो जले जले की महत्व तो आनी थी ना। जी जी बदायूनी के हर सेंटेंस में जले जले की महक आती थी, जबरदस्त महक आती थी, कभी कभी बदबू बन जाती थी। दाराशिकोह ने फारसी भाषा में 52 उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से किया था? सिर्रे अकबर, अयाले दानिश, रजमनामा और तारीख़े हुमायूं। ए बी सी और डी, 52 उपनिषदों का अनुवाद। एक एक महत्वपूर्ण धरोहर है, पानी पी पी कर अरे सांस ले ले करके देता था यार, पानी पीने में तो टाइम लगता है, मैं हर सांस के साथ बहन देता था। वेरी गुड उमेश, आई अप्रिशिएट योर कमेंट्स। द राइट आंसर इज ए, दैट इज सिर ए अकबर। अधोलिखित में किस मुगल शासक के शासनकाल में संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर द्वितीय। मैं बताऊं ये द्वितीय लिखने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे कंप्यूटर में, जैसा जितने द्वितीय आते हैं मैं उन सबको सेकेंड कर देता हूँ। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। संस्कृत लिटरेचर वॉज द मोस्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, एंड अकबर सेकंड। सो द राइट आंसर इज अकबर, ऑफ कोर्स अकबर, अनडाउटली अकबर, और कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ आंसर तो ऐसे है जिनको आंख मूंद करके जिनका आंसर दिया जा सकता है। और मुगल काल में जनसामान्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? फारसी, अरबी, उर्दू और टर्की। आपको बताना है कि जनसामान्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? फारसी, अरबी, उर्दू और टर्की। 39 कमर प्लीज, अ वेरी इजी आंसर, फारसी, अरबी। अरबी तो नहीं हो सकती ना, बिल्कुल नहीं हो सकती, हटा दीजिए। उर्दू, वेरी गुड, दैट इज उर्दू। उर्दू जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फौजी खेमों में बोली जाने वाली भाषा, मेरे मुल्क की भाषा है। अगर मैं कहूँ तो हिंदी, हिंदी मेरी माँ है और उर्दू मेरी मौसी है, दोनों एक ही माओ से उत्पन्न बेटियां हैं। दुर्भाग्य से मुसलमानों ने, मुस्लिम सत्ता ने अगर उर्दू को देवनागरी में लिखना शुरू किया होता तो आज उर्दू का इतिहास सबसे समृद्ध होता। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य तब हुआ जब उर्दू को फारसी स्क्रिप्ट के साथ लिखना शुरू कर दिया। रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद सुल्तान बरबक शाह के शासनकाल में किसके द्वारा किया गया? कृतिवास, काशीराम दास, माराधन बसु और श्रीकर नंदी। क्वेश्चन नंबर 40, आपको बताना है कि सर उर्दू ऑफिशियल कब हुई? और अरे उर्दू ऑफिशियल हुई 1836 में, अकबर उन्होंने किया अंग्रेजों ने, और मुसलमानों ने बहुत बुरा माना था उस समय इसका, क्योंकि इस समय ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी। फारसी को हटाकर जब उर्दू किया गया तो बहुत बुरा माना, शायद सबसे ज्यादा बुरा इस बात का अंग्रेजों का माना होगा मुसलमानों ने, इट वॉज दैट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया गया उसके खिलाफ। लेकिन हिंदू उस समय समर्थन नहीं थे उर्दू में, क्योंकि उस समय उर्दू हिंदुस्तान की भाषा मानी जाती थी। दुर्भाग्य से सांप्रदायिकता ने देवता मान दिए, भाषा मान दिए, जानवर मान दिए, महापुरुष मान दिए। तो द राइट आंसर इज प्रतिभास,
और आज ये बंगाल की इंपॉर्टेंट रामायण है, कृतिवास रामायण। अधोलिखित में सर्वकालीन साहित्य से पुष्ट होती है कि अर्थवश के समय में कुछ चीनी चित्रकार दे दिया है कि फुतुह सलातीन तबका के नासरी तबका के अकबरी और काली के फिरोजशाही। हम बड़ी तेजी से समापन की ओर बढ़ रहे हैं, 5 मिनट्स प्लीज जल्दी क्वेश्चन खत्म करने हैं। आपको बताना है कि किस सल्तनतकालीन साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि अल्तमश के समय में चीनी चित्रकार दिल्ली आए थे, फुतुहुस सलातीन तबका के नासरी तबका के अकबरी और काली के फिरोजशाही। क्वेश्चन नंबर 41, द राइट आंसर इज फुतुहुस सलातीन। फुतुहुस सलातीन द राइट आंसर। मुगल कालीन चित्रकार वीर सैयद अली और अब्दुल समद किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 42, कम ऑन प्लीज बी क्विक। आपको बताना है कि वीर सैयद अली और अब्दुल समद किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। एंड द राइट आंसर इज सी सी सी, दैट इज अकबर। और आपको बताऊं एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि अकबर के टकसालों का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो दूसरा नाम दिया है ना अब्दुल समद, इनको अकबर ने टकसालों का अध्यक्ष बनाया था ताकि उनके सिक्के और खूबसूरत बन सके, खूबसूरती किसी का किसी किसी राजवंश का किसी व्यक्ति का अभिजात बोध होती है। आप सुन रहे हैं, अधोलिखित में से किस मुगल शासक ने चित्रकला के विकास के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने चित्रकला के विकास के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 43, दैट इज ए अकबर, सॉरी जहांगीर, 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 सॉरी। एक मिनट प्लीज, राष्ट्रीय शासक कहते हैं क्योंकि उसने सभी भाषाओं के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। दास्ताने अमीर हमजा नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था जिसमें अकबर की यौवनावस्था को दिखाया गया है? 44, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, ए बी सी और डी। एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 44, दैट इज बताऊं आयुष जी बाबर आया था। आयुष कौन है? अच्छा, आयुष शर्मा। सर सबसे पहले मुगल तो क्या कह रहे हो, उमेश पहला मुगल तो तैमूर लंग है ना, मुगल मतलब चंगेज खान के वंश है ना, तो वो तो तैमूर लंग है पहला मुगल। पहला मुगल जिसके नाम का खुतबा पढ़ा गया हिंदुस्तान में वो बाबर नहीं है, वो पहला मुगल जिसके नाम का खुतबा पढ़ा गया वो तैमूर लंग है। तो दास्तान है अमीर हमजा इसका है, दैट इज सी, सॉरी दैट इज मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, दास्तान है अमीर हमजा। अकबर कालीन अधोलिखित में कौन सा चित्रकार एक कहार का पुत्र था? दशवंत, फारूक बेग, मीर सैयद अली, कुली औरंगशी। और मैं बताऊं अकबर एक दिन गुसल खाने में था तब उसने दीवार पर देखा कि किसी ने कोयले से कुछ चित्र बनाए हुए थे। उसे पूछा कि कौन है तो मालूम पड़ा उसके कहार का बेटा है। उसी मोमेंट पर अकबर रोजग्राही था, वहीं पर अकबर ने उसे अपनी चित्रशाला में शामिल किया और कालांतर में वो एक महत्वपूर्ण चित्रकार बनकर के उभरा। 45, द राइट आंसर इज ए दशवंत। So that is the end of today's conversation. If you have any question, any inquiry, please, you are most welcome. I am giving you 1 minute time. We can mention it. Come on, please. So if you having any inquiry, any confusion, any suggestion, any expectation, Abhishek, within 1 minute, I'm going to close this. So please mention your query, query, I'm ready here. Otherwise, कल मिलते हैं शाम 6 बजे। और मैं बताऊँ कल से हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, importance of the day.
आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व और आज के दिन का करंट इवेंट्स बोथ। कल हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए करने में, बट परसों से रेगुलरली आप मॉर्निंग एट 7 o'clock यू विल गेट दिस पर्टिकुलर इवेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ द डे एंड इवेंट्स ऑफ द डे। फाइन, तो कल मिलते हैं, तब तक पढ़िए, एनर्जाइज रहिए और बिंदास रहिए।